मैं सारे दोस्तों का, सारे अजीजों का, बड़ों का, छोटों का शुक्रगुजार हूँ कि आज आपने टाइम निकाला और अपनी मसीह कौम के जो मसाइल हैं हम आज उनको बयान भी करेंगे, सामने रखेंगे भी। तो ये सारे प्रोग्राम से पहले हम चाहते हैं कि अपने खुदावंद को याद करें आज शाम, जो कि उसके कलाम में लिखा है, जहाँ दो या दो से ज़्यादा लोग होंगे मैं उनके दरमियान मौजूद होंगे, उसकी मौजूदगी को महसूस करते हुए अपने सरों को झुकाएंगे। और मैं जोसेफ साहब को कहता हूँ, वो दुआ में रहनुमाई करेंगे। खुदाए अजीम बुजुर्ग आसमान के खुदा इसराइल के खुदावन पाक यहोवा, आज के इस पाक दिन के लिए तेरे शुक्र गुजार हैं जो तूने हमारे इन लीडरान को खुदा बाप दिल बख्शा है, इनको अकल फहम और दानिश से मामूर कर, ताकि खुदाए कदूस ये जो मसीही कौम पाकिस्तान के अंदर है वो मुल्क की सलामती के लिए, अफवाज पाकिस्तान और तमाम अदारों के लिए ऐसी मिसाल पैदा करे ताकि खुदा बाप तेरा जलाल जाहिर हो, कि मसीही कौम के नुमाइंदे जो हैं वो मुल्क और कौम के लिए क्या दर्द रखते हैं। कादर मुतलक खुदावंद, तूने जब बनी इसराइल कौम के लिए सऊल नबी को मखसूस किया तो खुदा बाप तूने उसे अकल फहम और दानिश बख्शा। कादर मुतलक खुदा, तूने दाऊद को मुंतखब किया और उन्हें अकल दानिश बख्शी, तूने उसके बेटे सुलेमान को भी खुदा बाप अकल दानिश से मामूर किया, जिन्होंने इतनी लंबी उम्र तक अपनी कौम की खिदमत में गुजारे। आज हम भी खुदा बाप मुल्क के सरबराहों के लिए, सरदे मुबरकत के लिए, वज़राए आला के लिए, चारे सूबों के लिए दुआए खैर करते हैं और अपनी इस कम्युनिटी के लिए जितने भी हमारे नौजवान इसमें शामिल होते हैं, खुदा बाप जो काम करें वो रूह से करें और कौम मुल्क की ईमानदारी के साथ खिदमत करने के लिए कोशा रहें। ये सब कुछ तेरे कदूस और जलाली नाम से मांगता है, बेटे और रूह कुदस का साझा हमेशा हमारे साथ हो। दाऊद यीशु मसीह के पाक नाम में सारे दोस्तों को, बुजुर्गों को मेरी तरफ से सलाम। मैं जहांगीर खोखर, आज का जो प्रोग्राम है ये स्पेशली अरेंज किया गया है जो नए मुंतखिब सदर साहब हुए हैं उनके लिए, उनकी मुबारकबाद के लिए। हम सब आसिफ अली जरदारी साहब को दूसरी दफा सदर मुंतखिब होने पर मुबारकबाद पेश करते हैं। इसी तरह पाकिस्तान के वजीर आजम मियां शहबाज शरीफ साहब, उनको भी और चारे सूबाई वज़रा को भी हम मुबारकबाद पेश करते हैं। स्पेशली पंजाब में मोहतरमा मरियम नवाज साहबा से दरख्वास्त भी करेंगे और उनको मुबारकबाद भी पेश करेंगे कि सुबह पंजाब में खवातीन को वजीर आला की सीट मिली है, उसके लिए हम बहुत उनके शुक्रगुजार हैं। और मरियम साहबा से, वजीर आला पंजाब से ये रिक्वेस्ट करेंगे, हमारे मुतालबात हैं वो भी नवाज साहबा के सामने पेश करेंगे, उनके सामने मुतालबा रखेंगे कि वो भी हमारे काम किए जाए। अभी मैं चौधरी सैमसन असलम सोत्रा साहब को प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए दावत देता हूं कि वो मजीद जो बातचीत है वो आपके सामने बयान करें। खुदावंद यीशु मसीह के नाम में सब भाइयों को मेरा सलाम पहुंचे। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद माइनॉरिटीज के मसाइल और सदर पाकिस्तान को मुबारकबाद के लिए हम यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है।
सबसे पहले तो मैं शुक्रगुजार हूँ मीडिया का जो यहाँ तशरीफ लाए, हम उनके शुक्रगुजार हैं और हमें उम्मीद है कि हमेशा वो हमारे साथ तामन जारी रखेंगे। बिलावल भुट्टो मिनोरिटी वॉलंटियर वर्कर की जानिब से शरीक चेयरमैन पीपल्स पार्टी आसफ अली जरदारी को सदर पाकिस्तान मुंतखब होने पर दिल की गहरी गहराइयों से मुबारकबाद पेश करते हैं और उसके साथ साथ चारों सूबों के चारों वज़रा आला को भी हम मुबारकबाद देते हैं कि जो इलेक्टेड हुए हैं वो मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, मेन एजेंडा उसका हमारा ये है कि हम वज़ीर आला पंजाब मोहतरम मरियम नवाज के शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने मुस्लिम भाइयों के लिए रमज़ान पैकेज का ऐलान किया। ना सिर्फ के ऐलान किया बल्कि उन्होंने घर घर इसकी फराहमी को यकीनी बनाया। लेकिन हम मुतालबा करते हैं कि क्रिश्चियन लोगों के लिए भी ईस्टर पैकेज का ना सिर्फ ऐलान किया जाए बल्कि फौरी तौर पर इस पर अमल दरामद किया जाए। इसके साथ साथ हम मुतालबा करते हैं कि मुस्लिम मुलाजमीन को जो जिस भी शोबे में जॉब कर रहे हैं उनको 25 मार्च को तनख्वाह रिलीज की जाए ताकि आगे 27 को अगर रिलीज करते हैं तो आगे हफ्ते की छुट्टी है, इसलिए लोगों को सैलरी नहीं मिलेगी। तो इसलिए हम गुजारिश करते हैं कि 25 तारीख को ही सैलरी रिलीज कर दी जाए ताकि हमारे मसीह अच्छे तरीके से ईस्टर का त्यौहार मना सकें। दूसरा, हम वज़ीर आला साहिबा से गुजारिश करते हैं कि हुकूमत पंजाब ने 2010 में एक हेल्थ प्रोग्राम IRMNCH माँ और बच्चे के नाम से शुरू किया था जिसमें 2016 में चार्ज नर्सेस को भर्ती किया गया। उस वक्त उनकी लमसम सैलरी 40,000 रुपए थी जो आज भी 2024 तक 40,000 ही है, जबकि 2010 से लेकर 2024 तक महंगाई 500% बढ़ चुकी है। लिहाजा गुजारिश है कि इस प्रोग्राम के तहत भर्ती किए तमाम मुलाजमीन को रेगुलाइज किया जाए और उनकी तनख्वाहों में इजाफा मौजूदा महंगाई के मुताबिक किया जाए। तीसरा, ये हमारा मुतालबा है जो जेन्युइन और वाकई हम चाहते हैं, मरियम कॉलोनी ग्रीन टाउन लाहौर के रहायशियों के मसीह कब्रिस्तान की है। हम चाहते हैं कि मरियम कॉलोनी के जो लोग रहते हैं उनको मसीह कब्रिस्तान दिया जाए इंसानी हमदर्दी के थ्रू, या ये सोचते हुए कि हर इंसान ने मरना है। इसलिए हमारे क्रिश्चियन लोगों की क्यों बहुत बड़ी डिमांड नहीं है, वो सिर्फ डिमांड कर रहे हैं कि हमें कब्रिस्तान दिया जाए और वो भी घर के करीब तरीन दिया जाए, उस आबादी के करीब तरीन दिया जाए, क्योंकि वहां पर आबादी के लिहाज से देखा जाए तो 40,000 लोगों की आबादी पर मुश्तमल ये मरियम कॉलोनी है। तो हम इस पर जोर देते हैं कि फौरी तौर पर वजीर अला साहब इस पर ऑर्डर करें ताकि हमारे मसीही लोगों के लिए यह आसानी पैदा हो। अगर कोई सवाल करना चाहता हूँ पूछ सकता हूँ, अगर कोई सवाल करना चाहता है तो जवाब दे। अच्छा, माँ और बच्चे की बात की आपने जी, ये प्रोजेक्ट तो यास्मी राशदा ने भी, जो पीटीए की हेल्थ मिनिस्टर रही है जी, उन्होंने उसके ऊपर काम भी किया है और भर्ती भी की है जी जी। तो आप क्या समझते हैं कि वो जो स्टाफ ने भर्ती की गई उनका मुतालबा के अदारे को बनाने का मुतालबा जी? इसमें दो मुतालबे हमारे, पहला तो यास्मीन राशिद साहब ने इस पे वर्क किया जी, लेकिन उन्होंने इस अदारे को रेगुलाइज नहीं किया। अच्छा। 2010 से ये रेगुलाइज नहीं हुआ, वो नर्सेज या वो एलएचवीज जो काम कर रही हैं वो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे कर रही हैं। हमारा मुतालबा है कि इसको रेगुलाइज किया जाए, क्योंकि पीपल्स पार्टी हमेशा ही ये चाहती है कि वो वर्कर को जो है वो ज्यादा से ज्यादा सहूलतें दे और वर्कर को ज्यादा फेवर दे, क्योंकि आसफ अली जरदारी के दौर में ही तनख्वाहों में दोगुना इजाफा किया गया था, डबल की गई थी तनख्वाह, तो हम 100% इजाफा किया गया था। और आज भी हमारा मुतालबा यह है कि पीपल्स पार्टी बेशक पंजाब में हुकूमत नहीं है लेकिन कोलिशन पार्टनर पीपल्स पार्टी है, तो हम ये मुतालबा करते हैं कि 100% नहीं तो कम से कम 50% तो इजाफा किया जाए। और जो नर्सेस की बात है, वो नर्सेस की 40,000 सैलरी 2016 में थी, आज 2024 चल रहा है, 10 साल में उसमें एक पैसा भी इजाफा नहीं किया गया। तो हमारा मुतालबा है कि उसको रेगुलराइज भी किया जाए और उसके साथ साथ उस पर जो है वो उनकी सैलरी को बढ़ाया जाए। अच्छा,
अच्छा रमजान पैकेज की बात करते तो इसमें तो क्रिश्चियन कम्युनिटी के भी नाम आ गए हैं, उनको भी मिलेंगे राशन। हाँ जी, क्रिश्चियन कम्युनिटी के नाम इसमें नहीं आए, आए क्योंकि चंद एक लोगों को मिला है वो जो बेनजीर इनके सपोर्ट प्रोग्राम में है। अच्छा ठीक है, तो उनको सिर्फ मिला है, वो भी चंद एक है। अच्छा, एलडब्ल्यूएमसी की लेटर तो जारी हो गया है 27 तारीख वाला। जी, तो आप दूसरे बैंकों की बात करें। नहीं, ये IRMNC है, वर्कर्स जो क्रिसमस ईस्टर की सैलरी कह रहे हैं। मैं टोटली कह रहा हूँ, पंजाब के अंदर जो भी क्रिश्चियन स्टाफ, एलडब्ल्यूएमसी की तो लेटर जारी हो गया है, एलडब्ल्यूएमसी 27 तारीख का लेटर जारी। हाँ जी, लेकिन हम 25 को जा रहे हैं। अच्छा, वॉलंटियर जी आप काम करना शुरू कर दिया है। जी, जो पहले कैबिना थी जी पंजाब के अंदर, उनका क्या बना? वो चेहरे नजर नहीं आ रहे, नए चेहरे नजर? वो ऐसा है कि हम ये जो पीपल्स पार्टी के जो पंजाब के अंदर सिस्टम था, जो कैबिना थी, वो तोड़ दी गई है। अच्छा, अब ना कोई पंजाब का प्रेसिडेंट है ना कोई जनरल। लेटर इशू हुआ है? इसका लेटर जो दोबारा अभी इशू हुआ है, नोटिफिकेशन हुआ है, वो नदीम अफजल चंद का, वो हमारे पास मौजूद है। उन्होंने पुरानी कैबिना सारी, पुरानी कैबिना जो है वो खत्म कर देगी और नई कैबिना जो है ना वो बना दी गई। तो वैसे भी हम किसी ओहदे पे काम नहीं कर रहे, हम वॉलंटियर ही कर रहे हैं। ठीक है, अगर कोई पीपल्स पार्टी उनको ओहदे देती भी तो हमारा उससे कोई तल्लक नहीं, कोई भी आए। यानी कि आप पीपल्स पार्टी की मुशावरत, चेयरमैन साहब की मुशावरत से ये काम कर रहे हैं? नहीं, हम इंडिपेंडेंट कर रहे हैं। अच्छा, लेकिन उनके कुछ लोग हमारे साथ शामिल हैं, लेकिन हम इंडिपेंडेंट कर रहे हैं, हम वॉलंटियर कर रहे हैं। तो ये जो आप बुनियादी मसाइल बता रहे हैं हल्के के जी, तो क्या ये आप पंजाब गवर्नमेंट को बताएंगे कि यहाँ आपके यहाँ के हल्के से, एनए के हल्के से? नहीं, हम डायरेक्ट पंजाब गवर्नमेंट को। अच्छा, डायरेक्ट यहाँ का हल्के का जो MNA है, जो अदाता रड़ है, वो तो पीपल्स पार्टी की सरदारी करके जीता है, तो हम उसको कहेंगे नहीं। ठीक है, हम तो सिर्फ डायरेक्ट मोहतरमा मरियम नवाज साहब को कहेंगे, क्योंकि हम पंजाब में उनके कोलिशन पार्टनर हैं, इसलिए हम अदाता रड़ को नहीं गए, क्योंकि हम सोच रहे हैं कि बलावल के साथ ज्यादती हुई, बलावल यहां से जीत चुका था और वोटों में गड़बड़ कर की गई, तो इसलिए हम तो इस बात पे यकीन नहीं रखते कि हम तारड़ को जाके कहेंगे। अच्छा, ये कब्रिस्तान की बात करते, तो यहाँ पर मैंने प्रोग्राम भी किया था इसके अंदर, इसका तो फंड जारी हुआ था PTA गवर्नमेंट में जी, जो एक्स एम मिनिस्टर रही है, MLA रही है शिकार गुसैब जी, जी उन्होंने इसको फंड भी जारी किया था, तो क्या यहाँ पे लगा नहीं वो फंड? वो फंड जो मोहतरमा ने जारी किया था, उसके लिए जगह परचेज नहीं की गई। जो क्रिश्चियन टाउन के अंदर? नहीं, आप ग्रीन टाउन की बात कर रहे हैं, इसी हल्के के अंदर क्रिश्चियन कॉलोनी जो है, क्रिश्चियन ये इसका जवाब जो है वो इलाके के लोग हैं, इनको जरूर पता होगा कि क्या शनीला रूस ने जो फंड दिया था, उसके आप इनसे सवाल कर सकते हैं। भगत साहब आप बताइएगा। सर, जो हमें शनीला रूस साहब ने फंड दिया था, वो हमें दिया था 50 लाख रुपया। अच्छा, वो गलियों के लिए बस दिया था। अच्छा, तो कब्रिस्तान के लिए आपको नई जगह चाहिए? कब्रिस्तान के लिए हमें नई जगह चाहिए, उधर है कोई जगह? शबीर गुज्जर ने ये मुझे लेटर दिया है कब्रिस्तान का। अच्छा, तो पार्टी उसमें टूट गई पार्टी, तो हमारा काम नहीं हो सका। ठीक है, अगर शबीर गुज्जर होता तो फिर हमारा काम हो जाना था। अब बिलावल भुट्टो से हमने उम्मीद ये लगाई है, पंजाब में ये सिलेक्ट हुए हैं। ठीक है, हमने इनको वोट भी दिलाया, अपने बूथों से इनको जितवाया भी है। वो तो जीते ही ना? नहीं, हमने तो जितवाया है ना, हमें तो पता है ना, हमने इनको जितवाया। अच्छा, आपने अपने यूसी से? हाँ, हमने अपने यूसी से इसको जितवाया। अच्छा, लेकिन हमें अब अतर्थ आगे आ गया, अतर्थ के पास तो मैंने जाना नहीं। मरियम नवाज साहब से हम ये अपील रखेंगे और जरदारी साहब से अपील रखेंगे, ताकि हमारा ये काम जल्द से जल्द हो सके। हमारे पास कब्रिस्तान की जगह नहीं है। आपके हल्के में उधर जगह है? जगह बहुत सी हमारी काफ की पड़ी हुई है। अच्छा, बहुत सी काफ की जगह पड़ी हुई, लेकिन हमें दफनाने के लिए हमारे पास जगह नहीं है। हम लोगों के मिनते करते हैं जाकर, जब हमारे उधर लोग मर जाते हैं तो हम मिनते जा करते हैं, किसी की जाके मिनते करके फिर हम अपना मुर्दा उधर दफनाते हैं, तो हमारे पास तो जगह नहीं है। आसफ दारी साहब से हमारी अपील है, शबाज सिंह से हमारी ये अपील है, मरियम नवाज से हमारी ये अपील है, ताकि हमारा जल्द से जल्द ये काम हो, हमें कब्रिस्तान चाहिए। जैसा कि बिन्यामीन ने बताया कि हम जो है पिछले कई सालों से सफर कर रहे हैं, इन मुश्किलात का शिकार हैं कि हमारे पास जो बुनियादी हक है किसी भी पाकिस्तानी शहरी का, जिसमें कब्रिस्तान जो है वो सरे फरिस्त है, उससे महरूम है, और ये हमारे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। आप सब इसको महसूस कर सकते हैं, इस मुश्किल को, कि अगर कोई शख्स मर जाए तो मरने के बाद भी उसे इज्जत ना दी जाए, या उसे दफन करने के लिए हमारे पास कोई प्रॉपर जगह ना हो, तो इससे बड़ी मुश्किल और क्या हो सकती है।
तो ये हम जिस तरह से भाइयों ने कहा है कि हम ये अपील करते हैं मौजूदा गवर्नमेंट से, जो गवर्नमेंट बनी है, अब कोलिशन गवर्नमेंट बनी है जिसमें जरदारी साहब भी हैं और शहबाज शरीफ साहब हैं, मरियम नवाज हैं, तो ये हमारा मुतालबा है कि हमें जल्द अज जल्द जो है वो इसके लिए जगह प्रोवाइड की जाए। और हम इस मुल्क के शहरी हैं और हम अपनी वफादारी से जो है वो अपने और अपने इलाके के जितने लोग मसीही लोग हैं, हमने उनका वोट जो है वो कास्ट करवाया है। हमने जो है दुआएं की इसके लिए कि जो है मुल्क में जो है ये अफरा तफरी का माहौल ये खत्म हो और गवर्नमेंट बने, और फिर गवर्नमेंट से हम अपील करेंगे। तो अब ये गवर्नमेंट बन चुकी है तो हम ये अपील करते हैं कि हमें जो है वो कब्रिस्तान के लिए जगह दी जाए। और बहुत सी जगह हमने देखी भी है, हमारे इलाके में काफ की भी जगह पड़ी हुई है, ऐसी जगह मौजूद है कि जिन पे कब्रिस्तान बन सकता है। बस हमें तवज्जो चाहिए मौजूदा गवर्नमेंट की, वो इस पर तवज्जो करे और हमें जो है इसके लिए जगह प्रोवाइड। सर आगे समझते हैं कितने यूसी हैं, ये कितनी आबादी है जहां पर जरूरत है कब्रिस्तान की? यहाँ ग्रीन टाउन में एक बड़ी आबादी है बसियों की। अगर हम इसको थोड़ा सा स्टडी करें तो हमें पता चलेगा कि योहानाबाद के बाद लाहौर के अंदर अगर कोई बड़ी आबादी है मसीहों की तो वो ग्रीन टाउन है। और वहां से कोई वहां पे कोई 10 से 12 ऐसी बस्तियां हैं जो मसीहों की हैं और उनके पास कब्रिस्तान नहीं है। मरियम कलोनी और मरियम कलोनी से पीछे जो है वो अगर हम चले जाए थोड़ा सा सर्वे करें तो वहां पे 7-8 ऐसी वादियां हैं जिनके पास अपना कब्रिस्तान नहीं है। ग्रीन टाउन में एक मसीही कब्रिस्तान है जो के कीर कलां के इलाका में आता है, और क्रिश्चियन कलोनी और कीर कलां के जो लोग हैं वो उनका ये दावा है कि ये कब्रिस्तान जो है ये सिर्फ हमारे, क्योंकि उसमें इतनी जगह नहीं रही कि सारी बस्तियां वहां पे मुर्दों को दफना सकें, तो वहां पे वो ये समझते हैं कि अब उनके पास इतनी जगह है कि क्रिश्चियन कलोनी के और क्रीक के लोग जो है वो सिर्फ उनके लिए ही ये जगह काफी है, तो इसलिए बाकी जो जितनी बस्तियां हैं वो उनको वहां पर मुर्दे दफन करने नहीं देते कि वो अपनी एफर्ट से नया कब्रिस्तान हासिल करें, क्योंकि अब यहाँ पर इतनी जगह नहीं रही। चंद सालों में जो जगह है अगर इसी तरह से रहा तो वो भी खत्म हो जाएगी, तो ये सबके लिए बड़ा मसला बन जाएगा। तो इसलिए वो अब बाकी बस्तियां जो है वो उनको मुर्दे वहां दफन करना नहीं देते। 10 से 12 आबादियां हैं जी वहां पे आबादियां हैं जिनके पास ये कब्रिस्तान नहीं है। और ये हम पिछले कई सालों से पीटीआई की गवर्नमेंट में भी हमने इसके लिए खासी एफर्ट की, हमने अपना वोट उनको दिया कि हमारा ये मसला हल हो। उस वक्त भी नहीं हो सका, उन्होंने यकीन दहानी करवाई मगर ऐसा नहीं हो सका। और इस दफा हमने पीपल पार्टी को सपोर्ट किया है इस हल्का 127 में, और हमने अपनी यूसीओ से जितवाया भी है, जैसा कि अभी बात की गई कि ये हरे नहीं है, उन्हें हरवाया गया है। तो ये तो चले जो कुछ भी हुआ गवर्नमेंट बन गई, हम चाहते हैं कि अब इस पर वार किया जाए और हमें कब्रिस्तान दिया जाए। और एक और बड़ा मसला है और इसी तरह का ही है कि हमारे मरियम कलोनी के अंदर पानी जो है, पहली बात तो पानी आता ही नहीं वहां पे, और तकरीबन आधा से ज्यादा हिस्सा मरियम कलोनी का जो है वहां पे पानी बिल्कुल भी नहीं आ रहा, और पिछले एक साल से ये मसला है। और हमने पिछली गवर्नमेंट को भी एफर्ट किया और वहां पे ट्यूबवेल लग गया है, मोटर लगी है और वहां पे तैयारी हो गई है, मगर एक मसला है अभी कि वहां पर खंबे लगने और जो ट्रांसफार्मर रखा जाए तो वो ट्यूबवेल चल सकता है, मगर पिछले 6 माह से हम इसके लिए एफर्ट कर रही है। हमने वाटा में भी जाकर इसके डिमांड नोटिस के लिए अपील की, डिमांड नोटिस भी बनवाया, अब वो भी हो चुका है, मगर अभी तक वहां पे जो है वो ट्रांसफार्मर नहीं लग सका, जिसकी वजह से मरियम कलोनी जो है वो साफ पानी से महरूम है और उन्हें दूर दराज जाकर पानी जो है वो पीने के लिए भी बाहर से लाना पड़ता है, और इसके साथ साथ जो है वहां पे घरों में इस्तेमाल करने के लिए भी पानी मौजूद नहीं है और पानी आता ही नहीं है। जो ट्यूबवेल पहले के लगे हुए हैं वो ट्यूबवेल जो है वो दूर ट्यूबवेल होने की वजह से पानी जो है वो मरियम कलोनी तक पहुंच नहीं पाता, जिसकी वजह से आज वो कलोनी जो है वो पानी से भी महरूम है। आए हुए दोस्तों का, टीवी चैनल्स का शुक्रिया अदा करते हैं, क्योंकि आज हम मुख्तलिफ आबादियों से, यूसीओ से बैठे हुए थे जो N127 में आबाद थे। तो आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए हम इकट्ठा थे, अपने मुतालबात जो नई हुकूमत बनी उनसे करवाने के लिए इकट्ठा हुए। तो हम पूरा उम्मीद है
कि हमारी ये गुमते जो बनी है, सदर बने हैं, वजीर आजम बने हैं, बुजरा बने हैं, तो हमारी बात जरूर सुनी जाएगी। शुक्रिया। नारा भुट्टो जीए भुट्टो, नारा 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 भुट्टो जीए 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 भुट्टो।